हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मिर्च का। अच्छा सो गाइस, मिर्च को मैंने पहले धो लिया था, धोने के बाद इसको सुखा लिया था। सुखाने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जो मैंने हरी मिर्च ली है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च है। और हरी मिर्च जो अचार वाली होती है, इसको इस तरीके से चाकू की सहायता से इस तरीके से मैंने छोटे पीसों में कटिंग करा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खूब सुखा लिए हैं धूप में, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। और इसको इस तरीके से काट लेंगे, चाहे तो बीच से कट लगा लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। तो गाइस मिर्च कट के तैयार हो गई है, अब बनाएंगे चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस अचार आप इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा ही मिर्च का अचार बनाइएगा और ताज़ा ताज़ा खाइएगा। तो गाइस इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक खा सकते हैं इसको, सालों साल। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो बनाएंगे चटपटा मिर्च का अचार। सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसमें जो मसाले डालेंगे, उसके लिए गैस की तरफ चलना पड़ेगा। गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखेंगे नॉन स्टिक तवा। ये गर्म हो रहा है, इसमें लिए मैंने सौंफ, जो मोटी सौंफ आती है वो 2 टीस्पून। चलाएंगे और आप देख सकते हैं गाइस इसका कलर बदलने लगा है, इसको गुलाबी होने तक ही भूलेंगे। सौंफ में डाल देंगे 2 टीस्पून राई, जो मैंने पीली सरसों ली है। राई की क्वांटिटी गाइस थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो 3 टीस्पून मैंने लिया है, इसको भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। राई भी अच्छे से भुन गई है। जब दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो गैस ये करेंगे ठंडा। ठंडा हो चुका है, अब इसको मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल गाइस गरम कर लेंगे इसमें। तो इसको गैस को ऑन करेंगे। इसको गरम कर लेंगे, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसकी तासीर गर्म करनी है ताकि ये ऑयल की झाड़ थोड़ी सी निकल जाए, और फिर इसको गैस को ऑफ कर देना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि गैस को मैंने ऑन किया है और ये गर्म था, तो अब ये गर्म हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे। तो गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो गैस आप देख सकते हैं कि मिक्सी में जो ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए आपको थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा मिक्सी में चलाया और इस तरीके से पीस किया हल्का सा मोटा मोटा। तो गैस ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे, जो मैंने ऑयल गरम किया था ये ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा तासीर इसकी गरम आट कर लिया था, अभी बिल्कुल ठंडा है। अब इसको डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गाइस आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। चलाएंगे इस तरीके से। चलाने के बाद अचार बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक जार में भर के रखेंगे। तो जार में भरने के रखने के लिए गैस तुरंत नहीं भरना है जार में, तो इसको गैस ये जो अचार है तो इसको 2 दिन तक ऐसे ही रखेंगे खुले में। तो अगर आप कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो गैस 2 दिन के बाद ही कंटेनर में रखिएगा, और इसको ऐसे ही हवा लगने के लिए इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। और प्लेट ढकने के बाद इसको हल्की सी धूप दिखा देंगे, अगर धूप नहीं है तो इसको छाई में ही रखिएगा। और रखने के बाद इसको 2 दिन के बाद ही कंटेनर में रखिएगा। अब इसमें डालेंगे आप देख सकते हैं कि विनेगर, तो विनेगर 1 कप विनेगर डालेंगे, सॉरी 1 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर। 1 चम्मच विनेगर डालने से क्या रहता है गाइस, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास विनेगर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू, आधा नींबू इसमें निचोड़ सकते हैं।
ऑलरेडी मैंने कटाई डाल दी है। तो ये अचार बनके तैयार हो गया है, चटपटा मसालेदार अचार। चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस इसको इस तरीके से ढक देंगे किसी कपड़े से या कोई दूसरी प्लेट से गाइस, इस तरीके से जो भी प्लेट हो आपके पास, इस तरीके से ऐसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसको फिर चला देंगे, 2 दिन तक इसको चलाना है। चलाने के बाद ही कंटेनर में रखिएगा। अगर आपने ऐसे ही कंटेनर में अगर रख लिया अचार, तो आपका अचार खराब हो जाएगा और ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि हरी मिर्च वाला अचार है। अगर लाल मिर्च वाला अचार होता तो आप तुरंत रख लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मसाला जो है सब में मिक्स हो जाए। तो ये गाइस अचार तैयार हो गया है, चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस अचार की भी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नए हैं मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और कम्युनिटी हाउस में एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और खाइएगा अचार। तो अचार तो गाइस मिर्च का अचार जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप आम के उससे खाइएगा, दाल से खाइएगा या पराठे से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। खाने के स्वाद को दुगना बना देता है और खाना भी टेस्टी लगेगा आपको अचार के साथ। एक पीस आप इस तरीके से ले लेंगे तो आपका छोटे छोटे पीसों में क्या रहता है कि अचार बर्बाद भी नहीं होता है और अचार आपका स्वाद भी लग जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।